नाज़रीन, दुनिया के क्रिकेट के मारूफ जरीदे ने चंद रोज बाद भारत में शुरू होने वाले वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले मुतबिका बॉलर्स की फहरिस्त जारी कर दी है, जिसमें पाकिस्तान के शाहीन शाफरीदी भी शामिल हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप का आगाज 5 अक्टूबर से भारत में शुरू होने जा रहा है, जो 19 नवंबर तक भरपूर रौनाइयों के साथ जारी रहेगा। मौजूदा सबक क्रिकेटर्स और नामवर साफियों की जानब से वर्ल्ड कप में अपने पसंदीदा टीमों और क्रिकेटर्स के हवाले से पेशन गोयां भी की जा रही हैं। ऐसे में मारूफ जरीदे वजडैन ने भी वर्ल्ड कप में मुतबिका तौर पर ज्यादा विकेट लेने वाले 6 बॉलर्स की फहरिस्त जारी कर दी है। मारूफ जरीदे ने मुमकिन बॉलर्स की फहरिस्त पर भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव को सरफहरिस्त रखा है, जिन्होंने गुज़श्ता माह एशिया कप के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेटें हासिल की थी और वो रवान साल अब तक के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर भी हैं। कुलदीप रवान वर्ष अब तक 17 एक रोजा मैचेस में 33 विकेटें हासिल कर चुके हैं। उसके अलावा वर्जन ने भारत के जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को भी ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर्स में से मुतबिका बॉलर्स की फहरिस्त में शामिल किया है। दोनों ने एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ तबाहकुन बॉलिंग का मुजाहरा किया था। मारूफ जरीदे ने पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन शाफरीदी को भी अपने बेहतरीन बॉलर्स की फहरिस्त में शामिल किया है। शाहीन अफरीदी इब्तदाई ओवर्स में विकेट लेने के लिए शोहरत रखती हैं। साबिक जनूबी अफ्रीकी फास्ट बॉलर डेल स्टेन ने भी शाहीन अफरीदी को वर्ल्ड कप के टॉप 5 बॉलर्स में शामिल किया था। वर्ल्ड के बेहतरीन वर्ल्ड कप बॉलर्स की फहरिस्त में ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क भी शामिल हैं, जिन्होंने वार्म अप मैच में नीदरलैंड के खिलाफ हैट्रिक भी की है। उसके अलावा न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट भी 6 मुमकिन बॉलर्स की फहरिस्त में शामिल हैं। ख्याल है कि वर्ल्ड कप में मजमू तौर पर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैकग्रा हैं, जिन्होंने मजमू तौर पर 39 मैचेज में 18.19 की औसत से 71 विकेट हासिल की हैं, जबकि दूसरा नंबर श्रीलंकन स्पिन लेजेंड मथैया मुरलीधरन का है, जो 40 वर्ल्ड कप मैचों में 19.63 की औसत से 68 विकेटों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। नाज़रीन, हफ्ते के लिए इतना ही, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना।